आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ जो विगत करीब करीब कितने दिनों से आपको समस्या थी पैरों में? करीब 29 तारीख से थी। 29 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 से ये पैर के घुटने में लिगामेंट्स में खिंचाव आ जाने के कारण ये काफ़ी दर्द से परेशान थे और इनको समस्या हो गई थी चलने फिरने में और दौड़ नहीं पा रहे थे। और ये कहाँ कहाँ जाकर के आपने दिखाया? हरिद्वार भी गए थे, अंग्रेजी दवाइयाँ भी खाई, जी जी भी ली थी, तब भी फायदा नहीं हुआ था। इसके बाद आपको ब्रिजमोहन योग केंद्र का पता चला? हाँ। कैसे पता चला आपको? एक दूसरे लड़कों से पता चला, जी जी, हम आए कि यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का कार्यक्रम चलता है यहाँ पर। हाँ। और यहाँ हम लोग आज इनको लग रहा है कि 6-7 थेरेपी हम लोग दिए होंगे क्या? हाँ। 6-7 थेरेपी हम लोग मात्र दिए। प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत सारे उसमें छोटे छोटे अभ्यास होते हैं और ये तो काफ़ी मायूस हो गए थे, लेकिन योग माया की कृपा से और परमात्मा की कृपा से और ब्रिजमोहन योग सेंटर में जो अभ्यास चल रहा है योग का, प्राणायाम का और नेचुरोपैथी का, उससे ये इतने 3-4 दिनों में इतने लाभान्वित हैं कि मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, इनको भी आश्चर्य हो रहा है कि हम आज, मैं इनको दौड़ते हुए मैं दिखाऊंगा, मैं पीछे हट रहा हूँ और ये दौड़ते हुए वहाँ से मेरे पास आएंगे, जो चल नहीं पा रहे थे, जिनका पैर मुड़ नहीं रहा था, और आइए दौड़ते हुए ये देखिए और फिर वहीं चले जाइए दौड़ते हुए, ये देखिए, ये देखिए, एक बार और आ जाइए वहां से। ये है योग का कमाल। जो व्यक्ति 4-5 राउंड लगाइए, जो व्यक्ति पैर उठाने में दर्द था, जिस व्यक्ति को उठने बैठने में तकलीफ था, जो व्यक्ति दौड़ने के लिए सोच रहा था कि हम दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे, और आज योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अलग अलग थेरेपियों के द्वारा ये हम सबके सामने ये दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं इनका थोड़ा ओपिनियन लूंगा। आज ये मेरे पास दौड़ते हुए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि जिस तारीख से आप घुटने में मोच आ गई, चोट आ गई, लिगामेंट्स में खिंचाव आ गया, तो आप उस दिन से पहली बार लग रहा है दौड़ रहे हैं। हाँ। क्या? तो ये थोड़ा मुस्कुराइए। ये है किसी चीज पर विजय प्राप्त करने का मुस्कान, क्योंकि इनको दौड़ने जाना है और करो और मरो की स्थिति इनकी बनी हुई थी कि हम दौड़ पाएंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि नौकरी का सवाल था और हम लोगों का मेहनत, हम लोगों ने जो परिश्रम किया और ये परिश्रम का आज आप जो लाभ देख रहे हैं, ये हम सबके सामने, आप सबके सामने, कैमरे के सामने ये दौड़ करके इन्होंने दिखाया है। और परमात्मा से ही प्रार्थना है कि इनके जो दौड़ने का जो कार्यक्रम है उसमें सफल हो जाएं और अपने ज़िंदगी को, इनका अपने मुकाम को हंसते हुए खेलते हुए गुजारें। तो आइए मैं अब इनको थेरेपी की तरफ, क्योंकि संध्या काल है और मैं इनको थेरेपी के लिए बुलाया हूँ, अब सीधे आते हैं थेरेपी टेबल के पास, चलते हुए चलिए। अब ये थेरेपी के पास जाएंगे और देखिए इनको थेरेपी में टेबल के ले जाने के पहले इनको, अब धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग गर्म पट्टी का लपेट लगाते हैं, इसमें औषधियों को लगा करके और इसे रात भर छोड़ देते हैं, इसी प्रकार लपेट करके सुबह में करते हैं तो पूरा दिन छोड़ते हैं और जब संध्या काल में करते हैं तो रात भर लगा के छोड़ देते हैं ये। और अभी हम लोग थेरेपी टेबल पे क्योंकि जाने वाले हैं और धीरे धीरे ये पट्टियों को, गर्म पट्टियों को हटा करके, अब ये दूसरे पैर से भी हम लोग गर्म पट्टी को हटा रहे हैं। अब हटाते समय भी देखिए सावधानी बरतनी होती है क्योंकि दोबारा लपेटना होता है, तो ये एक छोर को पकड़ के धीरे धीरे इसको देखिए ऐसे रोल किया जाता है, क्योंकि लोगों को समझ में आता नहीं है, अचानक खोल देते हैं फिर लपेटते समय दिक्कत होती है। देखिए अब इसे रोल करते हुए हम धीरे धीरे इसको फोल्ड करते जाते हैं, क्योंकि दोबारा लपेटते समय असावधानी ना हो और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये तो आप सबसे भी मेरा निवेदन होगा, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को, ब्रिज मोहन योग चैनल को देख रहे हैं,
जिनको भी घुटना में दर्द हो, कमर में दर्द हो, लिगामेंट में खिंचा हो जाए, वो चलने में असक्त हो जा रहे हैं, दौड़ने में असक्त हो जा रहे हैं, निराश हो चुके हैं, तो एक बार बिहार राज्य के भोजपुर जिले के आरा शहर में चल रहे ब्रिजमोहन योग सेंटर में आइए, डॉक्टर ब्रिजमोहन योग वेलनेस सेंटर में आइए। और आप सबको मैं जैसे इन भाई को दौड़ा करके मैं दिखाया हूँ, आपको भी मैं दौड़ा करके, यानी लंगड़ते हुए आइए और यहाँ से दौड़ते हुए चले जाइए। ये है प्रभु की महिमा, ये है योग की महिमा। अब मैं इनको, जो हम लोग का ये बेड है जिसपे हम इनको थेरेपी देते हैं, और अब थेरेपी देने के लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी मैं इनको कराता हूँ आज इनका। आइए इसको मैं जो तकिया लगाता हूँ हटा देते हैं, और दोनों पैरों को मात्र दो दो बार करेंगे। हाँ, पहले दोनों पैर को सीधा कर लीजिए अंगूठे को, और घुटने को खींचिए। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये भाग को खींच रहे हैं और जो कटोरी है उसमें खिंचाव आ रहा है। खींचिए, सांस भरते हुए ढीला छोड़ दीजिए। हाँ, फिर खींचिए, देख सकते हैं आप कैसे आकुंचन और प्रसारण, फिर ढीला छोड़ दीजिए। ये पाँच सेकेंड हम खींचते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये पांच बार इसको करते हैं, पांच स्टेप। फिर दूसरा स्टेप मैं लाता हूँ। अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, तलवे को, हाँ सामने से मैं दिखा रहा हूँ। अब इसको अंदर की ओर ले जाते हैं, अपनी ओर। बहुत अच्छा अभ्यास, करीब खींचिए, फिर आगे की ओर ले जाइए, फिर पीछे की ओर ले जाइए, हाँ फिर आगे की ओर ले जाइए, फिर पीछे की ओर ले जाइए, फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। बहुत अच्छा। फिर अगला अभ्यास करेंगे, इसे अंदर लगाइए। हाँ, अब मैं एड़ी के पास तकिया लगा दिया हूँ, और मैं दिखा रहा हूँ घुटने के नीचे ये खाली जगह हो जाता है, और प्रेशर देते हैं थोड़ा ऊपर से, सांस भरते हुए प्रेशर दीजिए घुटने को जमीन की ओर, दो दो तीन तीन बार कर लें। हाँ बहुत अच्छा, दबाइए, और हर सांस के साथ परमात्मा का ध्यान करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारी समस्याओं से हमें मुक्त कर दो। बहुत अच्छा, क्योंकि घुटना जब खराब हो जाता है तो बड़े बड़े लोगों का अकल खराब हो जाता है, दिमाग नहीं काम करता है, करें तो क्या करें, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसे ठीक करने में पसीना छूटने लगता है। फिर अगला अभ्यास करते हैं, इसी को मैं लगा दूंगा अब घुटने के नीचे तकिया को। देखिए छोटा सा तकिया होता है, अब इसमें एड़ियां दोनों उठ जाती हैं आगे से। फिर सांस को भरते हुए घुटने से एड़ी को उठाते हैं और घुटने को दबाते हैं तकिए को। बहुत अच्छा अभ्यास, देखिए ये अभ्यास चल रहा है, बहुत सुंदर अभ्यास। 5 सेकंड होल्ड करते हैं इसमें, और फिर इसके बाद उसे छोड़ देते हैं। अब वहीं पर थोड़ा सा पैर को उठाइए, दाहिने पैर को हल्का सा उठा लीजिए, बहुत सुंदर। ये देखिए बहुत शानदार अभ्यास है, जिनका पैर हिल नहीं रहा था, इनके चेहरा, मैं क्योंकि मैं वीडियो बनाया हूँ पहले भी इनका, और पहले दिन के वीडियो देखने पर आपको चेहरा बहुत मायूस निराशाजनक था, और आज मैंने जब दौड़ करके इनको दिखाया और दौड़ते हुए मैंने देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। दोनों पैर से करने के बारी बारी से देखिए, अब अपने बिना सहारे के पैर को उठा रहे हैं, बारी बारी से दो दो बार तीन तीन बार कर लेते हैं इस अभ्यास को। बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अभ्यास। अगला स्टेप में एक एक पैर को धीरे से आगे से उठाना है, उठाइए। अब पूरा अचानक ऊपर नहीं उठाते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, पहले नीचे ही रखिए। हाँ देखिए मैं कैसे इसमें उठाते हैं, थोड़ा सा उठाइए, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, बिल्कुल दर्द नहीं है। हाँ बहुत अच्छा, फिर दूसरे पैर को उठाइए, उसको नीचे कर दीजिए। हाँ ये देखिए, ये देखिए इसमें अचानक 90 डिग्री की ओर नहीं ले आते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर उठाते जाते हैं और मन में तौलते हुए आते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास, हाँ बहुत सुंदर अभ्यास, इसे दो दो बार कर लेंगे। बहुत अच्छा,
अभी आपने जो मैंने अभी आपको थेरेपी बता रहा हूँ, अभ्यास बता रहा हूँ, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई दर्द नहीं हो रहा है? नहीं। और आप दूसरे लोगों को, बहुत सारे नौजवान दौड़ते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि हम करें तो क्या करें, और मायूस होकर के बेचारे घर बैठ जाते हैं और उनका भविष्य खराब हो जाता है, तो आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे कि यदि खिंचाव हो जाए, दौड़ते समय परेशानी आ जाए घुटने में, तो आप यहाँ आने के लिए उनको कैसे प्रेरित करेंगे? हम यहाँ आने के लिए कहेंगे, और आने के बाद कहेंगे यहाँ का एक बार देखें आकर। जी जी। जिससे उन्हें लाभ हो, लाभ होने के बाद वो खुद आना स्टार्ट कर। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये मुस्कान जो है हम लोग, क्योंकि ये दौड़ तो पहले ही सकते थे, लेकिन मैं इनको थोड़ा रोक रहा था कि अभी एक दो थेरेपी और चलने दीजिए, धीरे धीरे थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, और आज मैं इनको दौड़ते हुए दिखाया है आपको, और आप सब भी ऐसे दौड़ सकते हैं यदि घुटना से परेशानी हो तो। अब मैं अगले थेरेपी की उनको ले चलता हूँ, तो आइए पीछे चलते हैं। अब मैं इनको, ये जो देख रहे हैं घुटना, ये मैं उंगली से मैं दिखा रहा, इशारा कर रहा हूँ, ये कटोरी के चारों तरफ, दोनों कटोरियों के चारों तरफ खिंचाव आ जाने से, यहाँ पर स्टिफनेस आ जाने के कारण, और ये दर्द हो गया है, और ये काफ़ी इतना असहनीय दर्द था कि ये चलने में अपने आप को अशक्त समझ रहे थे, मुश्किल समझ रहे थे और निराश हो चुके थे। अब ये थेरेपी दौड़ने के बाद मैं थेरेपियाँ मैंने दिया इनको, और अभी मैं इनको ठंडा और गर्म दोनों से सेकूँगा मैं। पहले बर्फ़ से सेकेंगे, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर चूंकि ये आप देख रहे हैं छोटा छोटा स्टील का बर्तन है, ये गैस चूल्हा है, और ये आप देख रहे हैं सिलेंडर है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ आप दिखा सकते हैं आपको, ये छोटे छोटे ये यहाँ पर ये सेकने के लिए ये पोटली बना हुआ है, ये पोटलियों के द्वारा गर्म सेकाई, यहाँ पर पानी गर्म करके इसमें जो कपड़े देख रहे हैं इसमें स्टीम देते हैं, भाप देते हैं, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा ये हम लोगों ने छोटे छोटे आप देख रहे हैं जड़ी बूटियों का तेल यहाँ पर है, फिर यहाँ पर बहुत सारे हम लोग थेरेपी देने के बाद इस रिजल्ट पे हम लोग पहुँचे हैं कि आज हम अपने घुटने दर्द से, अपने समस्याओं से आज बालक अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं, और ये विजय मुस्कान इनको दौड़ने में मदद करेगा और ये विजय प्राप्त करेंगे, यही प्रभु से कामना है हमारी, यही मंगल कामना है। तो आइए अब मैं इनको थेरेपी की ओर ले चलता हूँ, और आप सबसे मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि ब्रिज मोहन योग चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आज सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपको, इसलिए ज़रूरी है कि इनके दर्द संबंधी दो तीन वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उस समय बहुत परेशान थे, पैर नहीं उठ रहा था, थेरेपी देते हुए मैं दिखाया था, लेकिन आज दौड़ते हुए आप भी देख करके आश्चर्य करेंगे, इसलिए आप एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि जब शेयर करेंगे तो दूसरे भाई भी जो घुटना दर्द से, लिगामेंट के दर्द से परेशान हैं, वो मेरे यहाँ आ करके मेरे इलाज से लाभान्वित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे। धन्यवाद।